जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने बताया कि 12 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव 2019 को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 12 मई को प्रातः 7 बजे से 6:30 बजे तक मतदान होगा और इसके पहले 6 से 7 बजे तक मॉक पोल करवाई जाएगी। जिला में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में हमने मुख्य तौर पर एक तरीके का जो इलेक्शन का माहौल अब जिले में शुरू हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए, कमीशन की डायरेक्शंस को बताए जाने के लिए और उसके एनफोर्समेंट के लिए एक आज प्रेस ब्रीफिंग को रखा है। मुख्यतः हम 6 हेडलाइंस के तहत आज बातचीत करेंगे और कुछ सूचनाएं मैं आपको कमीशन की तरफ से भी दूंगा। पोल प्रिपेयरनेस हमने क्या क्या कर रखी है उसके बारे में भी हम सूचना देंगे और मैं आखिर में एक अपील आपके माध्यम से जनता से करना चाहूँगा कि मैक्सिमम वोटिंग हो। तो सबसे पहले है आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक तरीके के दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी राजनीतिक दल और उनके द्वारा जो चुने गए प्रत्याशी हैं जिनको नामांकन जिनके द्वारा भरा गया है वो एक तरीके के कंडक्ट का पालन जरूर करें। मुख्य तौर पर इसमें इस तरीके की बातें कही गई हैं कि कोई किसी पर कोई टीका टिप्पणी ना करे, पर्सनल लाइफ को लेकर के उनके परिवारजनों को लेकर के किसी तरीके की कोई बातचीत या भाषा का इस्तेमाल ना करे। डॉक्टर शालीन सोमवार को लघु सचिवालय के प्रथम तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर शालीन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आदर्श आचार संहिता का पालन करें, किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई भी राजनीतिक गतिविधि न करें, कोई भी प्रत्याशी कार्यालय खोलने, प्रचार सामग्री छपवाने, गाड़ियां, माइक व अन्य के लिए अनुमति लें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी प्रत्याशियों को एक नजर से ही देखें। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।